सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फियर ऑफ डेथ के बारे में। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना ऐसे कई सारे मैनेजर्स हैं जो अपने क्लाइंट्स को द फियर ऑफ डेथ दिखाने का प्रयास करते हैं। फियर ऑफ डेथ यानी आप अगर कल मर जाओगे, सर आप सोचो कि अगर कल आप मर जाते हो सर तो आपकी फैमिली का क्या होगा, हैं? आप सोच के देखो सर। तो ये जो स्टाइल है अलग अलग लोगों का, ये स्टाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या बोलते हैं फियर ऑफ डेथ दिखाने के लिए। ये कौन कौन से अलग अलग तरीके आजमाते हैं, इन ऐसे पांच स्टाइल्स एक्चुअली मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। और जो लास्ट फिफ्थ जो स्टाइल है ना, वो मेरा फेवरेट स्टाइल है, इन द सेंस मैं थोड़ा सा उसको जेन्युइन की तरह देखता हूँ कि या ये ठीक स्टाइल है थोड़ा सा। तो एंड तक देखना वीडियो को, काफ़ी मज़ा आने वाला है और इन स्टाइल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राइट, शुरू करें ये इंट्रो के बाद अपने पांच स्टाइल्स देखते हैं कैसे होते हैं। या ऑलराइट, हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे आपकी टीम में आप बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दो और वो भी आपके लोकल एरिया से। जी हाँ, इन स्ट्रैटेजीज़ को आज तक जितने लोगों ने भी अपनाया है वो अपनी टीम में बल्क में यानी ग्रुप में एजेंट्स को रिक्रूट करना उनको आ गया है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के से कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे अलग अलग स्टाइल्स के बारे में जो मौत का डर दिखाते हैं ना लोग अपने क्लाइंट्स को, फियर ऑफ डेथ वो कैसे दिखाते हैं। तो स्टाइल नंबर वन ऐसा होता है कि जहां पर मैनेजर है ना क्लाइंट के सामने खुद को मार डालता है। राइट, सर सपोज करो कि अगर मैं कल ना रहूं, सर आप सपोज करो कल अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो मेरी फैमिली को देखने वाला कौन है सर? आपको लगता है कोई मेरी फैमिली को पूछेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा? मैं उस मैनेजर को पूछता हूँ कि भाई क्यों मार रहे हो अपने आप को, और इस तरह से दिन में अपने आप को कितनी बार मारते हो आप क्लाइंट के सामने? देखिए ये जो तरीका है ना कि फर्ज करो कि मैं अगर कल मर जाऊं, ये तरीका मुझे स्पेशली ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। क्योंकि अगर आपको मौत का डर अगर आपके क्लाइंट को दिखाना है ना या फियर ऑफ डेथ समझाना है उसको, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियरली उसको ये बोलना चाहिए कि सर सोचो अगर आप कल मर जाओ तो क्या होगा। क्योंकि अगर आप यानी मैनेजर अगर क्लाइंट के सामने कितनी बार भी खुद को मार देना, क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इतना सा भी फियर ऑफ डेथ नहीं दिखाई देगा या फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको बोलते हो कि सर मान लो आज आपकी इनकम ये है, आप कल उठ के मर जाते हो या कल उठ के मान लीजिए आप नहीं हो आपकी फैमिली के साथ, तो क्या इतना इनकम पॉसिबल है आपकी फैमिली को जनरेट करना? अगर इस तरह से आप उनके सामने रखोगे ना तो प्रोबेबली यू नो वो समझ जाएगा कि आप बोल रहे हो। देखिए किसी भी मैनेजर को है ना ये उसको समझाना नहीं होता है कि अगर आप कल मर जाओगे तो क्या होगा, डेथ इज अनसर्टन, ये समझाना नहीं होता है। एक्चुअली उसका इंटेंशन ये होता है कि अगर आप नहीं रहते तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल सकती है। एक्चुअली ये मैसेज होता है जो उसको समझाना होता है, लेकिन वो सीधा पहुँच जाते हैं फियर ऑफ डेथ पे। तरीका ठीक है लेकिन जो स्टाइल है ना वो कम्प्लीटली यू नो मतलब आई डोंट नो व्हाई खुद को इतनी बार मारने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और खुद को मारने से क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्लाइंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ऐसा मेरा मानना है। राइट, सो दिस इज स्टाइल नंबर वन। फिर दूसरा स्टाइल या दूसरा डायलॉग क्या मारते पता है कि सर देखिए लाइफ का ना कोई भरोसा नहीं होता, आज हो तो कल थे बनने में देर नहीं लगती। इस तरह से डायलॉग शुरू करते हैं अपना, यू नो फिर समझाते हैं कि देखिए अनसर्टेनिटी क्या होती है, अगर आप कल अपनी फैमिली के साथ नहीं होती हो तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में कौन देखेगा, वगैरह वगैरह। तो फिर वो अपना लंबा डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत इस तरह से होती है कि सर देखिए लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज हो तो कल थे बनने में देर नहीं लगती। ये जो स्टाइल है ना, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि इस स्टाइल का धीरे धीरे असर जो है ना कम होते जा रहा है, क्योंकि क्लाइंट है ना वो अब समझने लगा है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस से हो तो आप मौत का डर जरूर दिखाओगे। आपको अगर समझाना है कि अनसर्टेनिटी क्या होती है तो उसके लिए आपके पास छोटे मोटे एग्जाम्पल्स तो है ही नहीं,
सीधा आप क्लाइंट को मार दोगे या फिर अपने आप को मार दोगे। अनसर्टेनिटी सिर्फ डेथ से आप दिखा सकते हो और किसी चीज से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, एक क्लाइंट को समझ में आ गया है अब तो। इसीलिए प्रोबेबली शायद इस लाइन का भी है ना, इस डायलॉग का भी धीरे धीरे असर थोड़ा सा कम हो रहा है। उसके बाद तीसरे स्टाइल के बारे में बात करते हैं, या तीसरा डायलॉग जो लोग यूज करते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं। ज्यादातर मैंने देखा हुआ इस लाइन को यूज करते हुए मैनेजर्स को, कि वो क्लाइंट को पूछते हैं कि सर आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हो, चैलेंजेस या सपोर्ट। देखिए ये जो लाइन है ना थोड़ा सा मुझे सेंसिबल लगता है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली मैनेजर जो है ना डेथ की बात नहीं कर रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है क्लाइंट के बच्चों पे, कि अगर आप नहीं रहते हैं तो बच्चों का क्या होगा वो सोचिए ना। आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हो, लाइफ में चैलेंजेस या फिर उनकी अच्छे बेहतर लाइफ के लिए सपोर्ट। तो ऐसे सवालों का जवाब ज्यादातर सपोर्ट में होता है, ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए कौन चैलेंजेस छोड़ के जाना चाहेगा, राइट? तो जब वो जवाब देता है सपोर्ट, तो फिर उसके जवाब में मैनेजर बोलता है कि फिर भरो ये फॉर्म, करो इन्वेस्ट। पैसा ही एक ऐसा सपोर्ट हो सकता है ना जो आप अपने बाद भी अपने बच्चों को दे सकते हो, और यही एक अल्टीमेट सपोर्ट हो सकता है जो उनको अपने फ्यूचर को डेवलप करने के लिए काम आएगा, राइट? तो ये स्टाइल ना, ये स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादातर लोग इसको काफ़ी सक्सेसफुली यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट को समझाने के लिए। भाई अनसर्टेनिटी है, किसी का कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, सो इट्स बेटर दैट यू प्लान इन एडवांस और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ जाओ, सो दैट आपके बाद भी बच्चे आपके आपको गालियाँ ना दें बल्कि आपकी तारीफ करें कि पापा हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ गए हैं जो आज हमें बहुत ज़्यादा काम आ रही है। उसके बाद स्टाइल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। चौथा स्टाइल या चौथा डायलॉग कुछ इस तरह से है कि कई बार मैनेजर्स अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि सर आप पेपर और पेन लीजिए और मुझे 5 ऐसे नाम लिख के बताइए कि आपके बाद वो 5 लोग आपकी फैमिली को कम्प्लीटली संभाल लेंगे, यानी उनके लिए फाइनेंशियली जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सारी ज़रूरतें वो कंप्लीट करेंगे, पूरी लाइफ 5 ऐसे नाम लिख के दे दीजिए मुझे। या फिर इस सवाल को इस तरह से भी प्रेजेंट करते हैं कि सर आप मुझे 5 ऐसे नाम लिख के दे दीजिए जो आपके बाद आपकी फैमिली को बिना सोचे समझे 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं। चलो 1 करोड़ रुपए नहीं, 50 लाख दे पाए, 50 लाख नहीं, 20 लाख एटलीस्ट दे पाए, ऐसे कोई है 5 नाम? एंड बिलीव मी इसके जवाब में कई क्लाइंट्स है ना अटेम्प्ट भी अगर करते हैं ना तो भी 3 नाम से ज्यादा लिख नहीं पाते, और 3 नाम में भी पहले जो 2 नाम होते हैं ना वो अपने फादर और मदर के ही होते हैं, लेकिन फिर मैनेजर उनको ये बोलता है कि फादर और मदर में अगर दोनों कमाने वाले हैं तो ठीक है, अगर एक ही बंदा कमाने वाला है तो एक ही बंदे का नाम लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि फाइनेंशियली तो वही सपोर्ट करेगा ना। तो एक हो गया मान लीजिए आपके फादर, दूसरे हो गए आपके भाई, तो 2 ही लोग हैं बस, उसके बाद आपके पास कोई नाम नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्लान वेल फॉर योर फैमिली। ये डायलॉग थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे, क्योंकि इससे है ना एक्चुअली क्लाइंट सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ मेरे पास सच में ऐसे नाम नहीं है, मेरे फैमिली में भी ऐसे नाम नहीं है जो मैं लिख पाऊँ जो मेरे बाद मेरी फैमिली को कम्प्लीटली फाइनेंशियली संभाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्टाइल नंबर 5 के बारे में, लेकिन स्टाइल नंबर 5 के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारा नेक्स्ट बैच जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, वो 2 तारीख से यानी 2 मई से लेके 5 मई तक चलने वाला है। हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटा पढ़ने वाले हैं यानी 8 से लेके 10, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आप अपने लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स किस तरह से रिक्रूट कर सकते हैं उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सीख जाओगे और काफ़ी आसानी से अपने लोकल एरिया में इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम दिन बचे हैं, तो प्लीज़ इस ट्रेनिंग सेशन को जल्दी रजिस्टर कीजिए। इस ट्रेनिंग सेशन को रजिस्टर करने के लिए आपको WhatsApp पे सिर्फ हाई और अपना नाम लिख के भेज देना है, मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा WhatsApp नंबर है 9714991661, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9714991661। आई एम श्योर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप जरूर अटेंड करोगे। सो अब हम बात करते हैं हमारे स्टाइल नंबर 5 के बारे में, और ये जो स्टाइल है ना ऑनेस्टली बताऊं ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल फेवरेट स्टाइल है, क्योंकि इस स्टाइल को मैंने एक्चुअली काम करते हुए देखा है, लोगों पे इसका असर मैंने देखा हुआ है। तो स्टाइल नंबर 5 में मैनेजर अपने क्लाइंट को ये डायलॉग कब मारता है पता है? वो तब मारता है जब क्लाइंट उसको बोलता है कि यार मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो मैनेजर जो है ना वो कुछ इस तरह से शुरू करता है, यार बिलीव मी ये जो डायलॉग है ना थोड़ा सा टफ है,
ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ना इसकी, तो आप शायद बोल भी नहीं पाओगे। मैनेजर कुछ इस तरह से बोलता है कि सर आपके बाद आपका बेटा बाप की जगह पे किसका नाम लगाएगा। इस सवाल के बाद ना क्लाइंट थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। क्लाइंट बोलता है कि क्या बात करते हो यार, बाप का नाम तो वही रहेगा ना, बाप है या नहीं है तो मेरा बेटा भी मेरा ही नाम लगाएगा। तो मैनेजर बोलता है क्यों, आप तो नहीं हो ना, तो आपका नाम कैसे लगाएगा वो। क्लाइंट और गुस्सा हो जाता है कि यार पागल हो गया क्या, बाप का नाम थोड़ी ना चेंज होता है, बाप जिंदा भी हो या नहीं भी हो, बाप का नाम तो वो मिडल में लगाएगा ना, मिडल नेम एज अ फादर्स नेम यूज करेगा, पागल हो गया क्या तुम। फिर मैनेजर बोलता है कि सर इसी तरह से अगर आप हो या नहीं भी हो ना, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपके बेटे की तरफ या फिर आपकी बेटी की तरफ वो कम नहीं होती है। आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइनेंशियली आप निभा रहे हो, वो आपके बाद भी वैसी ही रहेंगी। तो इसीलिए आपको अभी प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलीव मी, ये जो डायलॉग है ना, मैंने कई मैनेजर्स को काफी सक्सेसफुली बोलते हुए देखा है और इसका असर भी काफी अच्छा मिलता है उनको, पॉजिटिव मिलता है। क्लाइंट तुरंत समझ जाता है कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने फैमिली को, मैं अपने बाद भी, मेरे मरने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाऊं, और वो मैं तभी कर सकता हूं जब उसके लिए अभी से प्लान करूं। लेकिन ये जो फिफ्थ स्टाइल है ना, या फिफ्थ डायलॉग जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छी तरह से उसको बोल नहीं पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन आपने अगर इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर लिया और इस तरह से इस तरह से जैसे मैंने अभी बोला है, उस तरह से क्लाइंट के सामने अगर रखा ना, आई एम 100% श्योर कि आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आई एम श्योर जो आज पांच स्टाइल्स के बारे में हमने बात की ना, जहां पर मैनेजर अलग अलग स्टाइल्स से मौत का डर दिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो आपको काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको ये अलग अलग स्टाइल्स के बारे में नहीं पता है, और वो भी कई बार सोचते हैं कि कैसे अपने क्लाइंट्स को समझाऊं कि अनसर्टेनिटी कितनी बुरी चीज होती है। ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर उनको काफी अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे अपनी बात को कहने के लिए अपने क्लाइंट्स के सामने। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई और एक नया स्टाइल पता है जिससे आप आपके क्लाइंट के सामने मौत का खौफ या मौत का डर दिखाते हो, तो उस स्टाइल को जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं आपके कमेंट की राह देख रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।